तो भैया मेरा इंटरेस्ट है वेब डेवलपमेंट के अंदर, मैंने फ्रंट एंड सुना, मैंने बैक एंड सुना, मैंने फुल स्टैक सुना, तो क्या एक तरीका रहेगा, फास्टेस्ट पाथ रहेगा वेब डेवलपमेंट को सीखने के लिए? बहुत अच्छा लगता है भैया लोग फ्रंट एंड बैक एंड फुल स्टैक की बातें करते हैं, क्या मैं सब कुछ कर लूं, या क्या अप्रोच रहनी चाहिए कि मैं एज अ बैक एंड चला गया, बाद में फ्रंट एंड में चला जाऊं या फिर डायरेक्ट फुल स्टैक में चला जाऊं। तो मैं आपको यहां पे सारे पॉसिबल केसेस बताऊंगा। मेरा लगभग 5 साल का एक्सपीरियंस हो गया आईटी कंपनीज के अंदर, मैंने सर्विस बेस में भी काम किया है, मैंने प्रोडक्ट बेस में अभी कर रहा हूँ काम, राइट, एज अ फ्रंट एंड डेवलपर। तो आप वही चीजें सीखें जो आपको आगे ग्रोथ दिला रही हूँ। तो इस वीडियो को पूरा देखना, लाइक शेयर करना, हम इसमें समझेंगे कि एक फास्टेस्ट वे क्या रहेगा टू लर्न वेब डेवलपमेंट। चलिए बात करते हैं। जब हम वेब डेवलपमेंट की बात करते हैं, मतलब कि वेबसाइट डेवलपमेंट की हम बात कर रहे हैं, कि हम ब्राउजर पे जाते हैं, google.com लिखते हैं, facebook.com लिखते हैं, तो एक इंटरफेस खुल के आता है हमारे सामने, और जो वो इंटरफेस होता है जिससे आप इंटरेक्ट कर रहे हो वो होता है आपका फ्रंट एंड, जो आपको दिख रहा है, जिससे जिसके साथ कोई एंड यूजर इंटरेक्ट कर रहा है, कोई इंफॉर्मेशन कलेक्ट, कोई फॉर्म भर रहा है, कुछ एक्शंस कर रहा होता है, या जिस पर्पस के लिए वो वेबसाइट है, यूजर की नीड के हिसाब से यूजर उसको यूज कर रहा होता है, ठीक है, तो वो आपका फ्रंट एंड होता है। बैक एंड क्या है? अब बैक एंड की जब बात होती है, फॉर एग्जांपल आपने फॉर्म फिल कर दिया, अब वो फॉर्म कहाँ पे जाके स्टोर होगा, उसके लिए बैक एंड तैयार होता है, एक डेटाबेस होता है, अब डेटाबेस में आपकी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, और बैकएंड पे हम कोई लैंग्वेज यूज़ करते हैं, जैसे कि आप PHP यूज़ कर सकते हो, ASP यूज़ करते हो, जावा यूज़ करते हो, उस बैकएंड को तैयार करने के लिए, ताकि कोई फ्रंटएंड से अगर कोई इनपुट दे तो बैकएंड पे वो प्रोसेस हो। तो प्रोसेस करने के लिए हमें बैकएंड टेक्नोलॉजी चाहिए होती है, और अगर उसमें डेटाबेस की नीड है, फॉर एग्जांपल जो यूज़र इन्फॉर्मेशन दे रहा है उसको स्टोर करना है, तो डेटाबेस लेयर में जाएगा, स्टोर करेगा, वो फिर प्रोसेस होगा और वापस फ्रंट एंड पे आ जाएगा कि भाई आपका डेटा अपडेट हो गया है। तो ये पूरा फ्लो रहता है वेब डेवलपमेंट के अंदर, जहाँ पे फ्रंट एंड होता है, बैक एंड होता है, और एक डेटाबेस होता है आपके पास, और एक सर्वर होता है जहाँ पे आपकी एप्लीकेशन डिप्लॉय होती है। अगर आपको और इन डेप्थ समझना है तो मैंने अपनी एक वीडियो दे रखी है जहाँ मैंने पूरा बताया है कि कैसे एक एक करके रिक्वेस्ट जाती है थ्रू URL, कैसे सर्वर के पास जाती है, कैसे आती है, उसका लिंक मैंने दे रखा है, आप चेकआउट कर सकते हो। तो ये तो हो गया कि फ्रंट एंड क्या है, बैक एंड क्या है, डेटाबेस क्या है। अब जब फ्रंट एंड की बात करते हैं तो फ्रंट एंड के अंदर अब क्या सीखे भैया, क्या वो फास्टेस्ट वे है? देखो, आप कोई भी कंपनी में जाओगे ना भाई, तो वहां पे जो डेजिग्नेशन निकल के आती है, एक होती है UI/UX डिजाइनर। इस बंदे का काम क्या होता है, या फिर इस बंदी का काम क्या होता है, ये क्या करते हैं कंपनी के अंदर, ये एक वेबसाइट का इंटरफेस तैयार करते हैं, ये कोड नहीं करते, ये खाली इंटरफेस तैयार करेंगे, राइट, UI डिजाइनर। तो जो भी यूजर इंटरफेस होगा ये डिजाइन करेगा, UX वाला यूजर के एक्सपीरियंस को ध्यान में रख के। फॉर बहुत सारी कंपनीज के अंदर जैसे कुछ डिज़ाइन करना होता है, तो जो एंड यूजर्स होते हैं उनके पास फीडबैक फॉर्म जाते हैं, नॉर्मल फॉर्म जाते हैं कि हम एक ऐप बनाने वाले हैं, तो आप लोग क्या सोचते हैं, Q&A टाइप चीज़ें होती हैं, वहाँ से रिजल्ट्स आते हैं, फिर डिज़ाइन किया जाता है। इसमें अगर आपको जाना है तो इसमें फिग्मा और फ्रेमर, इवन मैं अभी करंट प्रोजेक्ट में काम कर रहा हूँ, वहाँ पे UI/UX डिज़ाइनर हैं जो हमें डिज़ाइन देंगे, किसको, फ्रंट एंड डेवलपर को। बहुत सारी कंपनीज के अंदर जो फ्रंट एंड डेवलपर होता है वही UI/UX डिज़ाइनर होता है, और डेवलपमेंट भी वो खुद कर रहा होता है, मतलब जो भी डिज़ाइन किया उसे वही कन्वर्ट करेगा, राइट। तो UI/UX डिज़ाइनर एक बहुत अच्छी प्रोफाइल है। इसमें क्या सीखना होता है, इसमें आपकी जो कमांड होनी चाहिए वो है फिग्मा और फ्रेमर। फिग्मा में आपके पास हैंड्स ऑन होने चाहिए, जहाँ पे आप एक वेबसाइट डिज़ाइन कर रहे होते हो, दैट्स इट, इतना ही काम होता है, और इसमें आपको अच्छे पैकेजेस मिल रहे होते हैं एक्सपीरियंस के हिसाब से। बट बहुत लोग पहले UI/UX में अपना करियर बनाते हैं और फिर वो HTML, CSS और React Angular जैसे फ्रेमवर्क भी सीख लेते हैं, ताकि उनका पैकेज बहुत अच्छा हो जाए। अगर वो UI/UX डिज़ाइनर हैं, लेटर ऑन उनको लगता है कि नहीं मेरे को और सैलरी बढ़ानी है, तो आगे जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो एक डेजिग्नेशन निकल के आते कंपनी के अंदर जिसकी बहुत डिमांड है, जो कि UI/UX डिजाइनर, जहाँ पे फिग्मा फ्रेमवर्क, पहले फोटोशॉप बहुत यूज होता था, मुझे याद है कॉलेज टाइम पे हम लोग फोटोशॉप पे पेज बनाते थे, डिजाइन करते थे, फिर उसको हम HTML, CSS, JavaScript का यूज करके पेज में कन्वर्ट करते थे, .html फाइल बनती थी, ठीक है। सो नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, अगर आपको प्योर फ्रंट एंड डेवलपर बनना है, उसके लिए गाइज HTML, CSS, कोर जावास्क्रिप्ट कॉन्सेप्ट, ठीक है, अगर आपने इतना सीख लिया है, अब आप एक वेब पेज बना पा रहे हैं, क्योंकि HTML क्या है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जिसकी हेल्प से आप एक स्केलेटन, एक ढांचा तैयार करोगे, अब उसको ब्यूटीफुल करना है, कलर देखे, एनिमेशंस देखे, तो वहाँ पे आप CSS यूज़ करते हो, ठीक है, आप फॉर्म वैलिडेशन चाहते हो, वहाँ पे जावास्क्रिप्ट यूज़ करोगे। अब ये तो आपका एक वेब पेज तैयार हो गया, बट जो आपको UI डिज़ाइनर ने पेज दिया, उस पेज को आपने कन्वर्ट किया HTML, CSS, JavaScript का यूज़ करके, आपने पूरा पेज बना दिया, तो ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ये फ्रंट एंड डेवलपर की होती है, राइट, फ्रंट एंड डेवलपर ही ये सब काम कर रहा होता है। अब नॉर्मल तो बना लिया भैया, अब और क्या, अब यहाँ पे हर कंपनी ना इन सब चीज़ों पे काम तो कर ही रही होती है, साथ में फ्रेमवर्क पे काम करती है, क्योंकि फ्रेमवर्क आपके काम को आसान कर देता है। एक वेबसाइट को, अगर आप एक पूरी वेबसाइट बना रहे हो,
अब यही उस वेबसाइट को आप टुकड़ों में बांट दो, कंपोनेंट में बांट दो, कितना आसान हो जाएगा, आप उन कंपोनेंट को रीयूज कर पाओगे। फॉर एग्जांपल हेडर कंपोनेंट है, बैनर कंपोनेंट है, फुटर कंपोनेंट है, आपने एक बार बनाया उसको कहीं भी बार बार यूज़ कर लिया। इन सब चीज़ों को सॉल्व करने के लिए हमारे पास फ्रेमवर्क और लाइब्रेरी होते हैं, जैसे कि रिएक्ट, रिएक्ट JS, एंगुलर JS, व्यू JS। अगर आप एक फ्रेशर हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप रिएक्ट से अपना करियर स्टार्ट कीजिए। और रिएक्ट में जाने से पहले जो कॉन्सेप्ट आता है वो होता है ES6, जहाँ पे आप लोग सीख रहे होते हो एरो फंक्शन, एरे डीस्ट्रक्चरिंग, स्प्रेड ऑपरेटर, रेस्ट ऑपरेटर, प्रोमिसेस, इवेंट लूप। इन कॉन्सेप्ट पे जब हमारी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाती है तो उसके बाद फिर हम रिएक्ट में जाएंगे तो हमें बहुत मज़ा आता है काम करने में, चीज़ें सीखने में। मैंने इन सब पे वीडियोस बना रखे हैं, मैं बात करूँगा अभी रिसोर्सेज की तो उसके बारे में तब बात करेंगे। बट अगर आप फ्रेशर हो तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप रिएक्ट सीखिए। तो अगर आपको UI UX में जाना है फिग्मा फ्रेमवर्क, अगर आपको फ्रंट एंड डेवलपर में जाना है HTML CSS कोर JavaScript, और एक फ्रेमवर्क आपको सीखना है, अब वो आपकी रिएक्ट लाइब्रेरी भी हो सकती है, एंगुलर फ्रेमवर्क भी हो सकता है और Vue.js भी हो सकता है। बट मैं आपको सजेस्ट करूँगा पर्सनली, क्योंकि रिएक्ट की डिमांड काम वाइज, वैसे तो देखो इन सब की डिमांड है, ठीक है, डिपेंड करता है। जैसे मान लो एंगुलर में आप अच्छे हैं तो आपको फिर वहीं से आपको जो कॉल्स आएंगी वो उसके अराउंड ही आएंगी। बट मैं आपको रिएक्ट कहूँगा क्योंकि जल्दी सीख सकते हो आप। तो अगर आपको फ्रंट एंड, अगर आपको खाली UI UX में जाना है फिग्मा फ्रेमर, तो 2 से 3 महीने में आप अपने आप को अच्छा कर सकते हो, अच्छे डिज़ाइन बना सकते हो। तो अगर आपको फ्रंट एंड डेवलपमेंट में जाना है, जहाँ पे मैंने बात करी रिएक्ट की, HTML, CSS, JavaScript, आप रिएक्ट नहीं सीखते, आप एंगुलर सीखते हो, Vue.js सीखते हो, आपकी मर्जी है, वहाँ पे आपको चाहिए 4 से 5 महीने इंक्लूडिंग प्रोजेक्ट। अब ये महीने बढ़ सकते हैं, मान लीजिए कोई वीडियो एक्सपीरियंस दिख रहा है, अब वो ऑफिस भी कर रहा है, टाइम निकाल रहा है, तो अलग बात है। बट अगर आप प्रॉपर डेडिकेट टाइम देते हो तो 4 से 5 महीने काफ़ी हैं आपको फ्रंट एंड डेवलपमेंट में ये सब चीज़ें सीखने में, ठीक है। तो अभी जैसे फ्रंट एंड के अंदर एक और चीज़ है, माइक्रो फ्रंट एंड, ठीक है। तो अब मान लीजिए, अब चीज़ें तो बहुत सारी हैं, बट अगर आपके फ्रंट एंड में ये सब कॉन्सेप्ट अच्छे हैं ना, तो बाकी चीज़ें आप सीख जाओगे। अब माइक्रो फ्रंट एंड में क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आपकी एक एप्लीकेशन, एक वेबसाइट है, उसी वेबसाइट के अंदर डिफरेंट डिफरेंट जो कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट चल रहा है Vue.js में, एक कंपोनेंट चल रहा है एंगुलर के अंदर, एक कंपोनेंट चल रहा है रिएक्ट के अंदर, इसे बोलते हैं माइक्रो फ्रंट एंड। आजकल बहुत सारी कंपनीज में ये चीज़ें यूज़ हो रही हैं, बट ये सीखने की जरूरत नहीं है आपको। अगर आपका रिएक्ट अच्छा है, एंगुलर अच्छा है, तो माइक्रो फ्रंट एंड आपको कंपनी खुद बता देगी, वो मुश्किल चीज़ नहीं है, वो बस कॉन्फिगरेशन है, वेबपैक के थ्रू हम करते हैं, दैट्स इट। तो अब जैसे वेबपैक बोला, ये सब चीज़ें जो और जो फैंसी कीवर्ड्स हैं, ये ज़रूरी हैं, बट आप जाने के बाद सीख जाओगे वहाँ पे, ठीक है। बट ये फंडामेंटल, मैंने कहा कि चीज़ें आती रहेंगी, फंडामेंटल कभी चेंज नहीं होगा, समझ रहे हो, ये चीज़ दिमाग में रखनी है। तो 4 से 5 महीने आपको चाहिए फ्रंट एंड डेवलपमेंट के अंदर। अगर आप इतना कर ले तो इसमें गिट जरूर जोड़ लेना, गिट जरूरी है, बिग बकेट हो गया, गिट हो गया, गिट लैब हो गया, जो जिसमें आप कंफर्टेबल हो, गिट की कमांड्स आपको आनी चाहिए ताकि कोड चेक इन करते टाइम वो सब चीज़ों का आपको आइडिया हो, राइट। बोल दो यू कैन, आप गूगल भी कर सकते हो, ठीक है, बट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो फ्रंट एंड डेवलपमेंट के अंदर मैं कहूँगा 4 से 5 महीने काफ़ी हैं, बाकी जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो आप कंपनीज में जाके सीख लोगे खुद ही, ठीक है, क्योंकि कोई भी कंप्लीट नहीं होता गाइस, ठीक है। अब हम बात करते हैं बैकएंड की। देखो मैं ज़्यादा तुम्हें घुमाऊंगा नहीं, बैकएंड में सीधा बोलूँगा स्प्रिंग बूट, क्योंकि बैकएंड में जो वेब सर्विस, जो APIs आप बनाओगे, जो डेटाबेस से इंटरेक्ट करेंगी, डेटाबेस में स्टोर करेगी डेटा, एक एंड पॉइंट, वही एंड पॉइंट हम फ्रंट एंड में कंज्यूम करते हैं और डेटा को डिस्प्ले कराते हैं। हर कंपनी, एक्सेंचर, TCS, माइंडट्री, एडिडास, अमेजन, फ्लिपकार्ट, जितनी कंपनीज हैं उनका बैकएंड इस तरीके से ही तैयार होता है, राइट। तो वहाँ पे मेरा जो मेरा मानना है, मैंने देखा है, मैं देख रहा हूँ लोग काम कर रहे हैं जावा, पाइथन, इसके अंदर, जैसे जावा के अंदर स्प्रिंग बूट, जहाँ पे आपको माइक्रो सर्विसेज, वेब सर्विसेज का हैंड्स ऑन होना चाहिए, जावा 8 वेरी इंपॉर्टेंट, और हाइबरनेट। जब स्प्रिंग बूट की बात करते हैं तो अगर आपको स्प्रिंग MVC का एक्सपोजर है तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो अगर आप स्प्रिंग बूट के अराउंड हैं, खाली स्प्रिंग बूट डेवलपर, आपको अच्छे पैकेजेस मार्केट से ऑफर हो रहे होंगे। तो बैकएंड के अंदर मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आपका जावा में इंटरेस्ट नहीं है, ASP में है, तो फिर आपको कॉल्स उसके अकॉर्डिंग आ रहे होंगे, ASP.NET, PHP की भी डिमांड है, ऐसा नहीं है, बट PHP एक बजट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। MNC में आपको इसका यूज़ कम दिख रहा होगा, बट जो मिड कैप कंपनीज है, स्टार्टअप है, वहाँ पे PHP का बहुत ज़्यादा डिमांड है और पैकेजेस भी अच्छे मिल रहे होते हैं। अब देखो जी, पैकेज की जब बात करते हैं, किसी के लिए 1 लाख रुपये कम है, किसी के लिए 1 लाख बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है, वो डिपेंड करता है आपके स्विच के ऊपर, और मैंने बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी कवर कर रखी हैं। बट इन स्किल्स को आप अगर आप सीख लेते हो तो आप मार्केट से कभी आउटडेटेड नहीं होगे। हाँ, टाइमली आपको कभी ना कभी अपने अंदर इम्प्रूवमेंट जरूर करना पड़ेगा, वो आई थिंक आपको पता है, IT में वो जरूरी है। तो बैकएंड में आपको सजेस्ट करूँगा, फिर आप चाहे स्प्रिंग बूट सीख रहे हो, स्प्रिंग बूट के अंदर जैसे अब माइक्रो सर्विसेज, वेब सर्विसेज, स्प्रिंग MVC, हाइबरनेट और जावा 8, इसमें प्रोजेक्ट के साथ आप 4 से 5 महीने में अपने आप को अच्छा कर सकते हो और इंटरव्यू देने लायक हो सकते हो।
ठीक है। बाकी पाइथन अगर वो आपकी पर्सनल चॉइस है, पाइथन की भी डिमांड है, एएसपी की भी डिमांड है, गो लैंग्वेज की भी डिमांड है। मेरा अभी किसी से पॉडकास्ट हुआ था, वो स्विगी में थे, वो गो लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, वो जावा से माइग्रेट कर रहे हैं अपने बैकएंड को गो लैंग्वेज के अंदर। बाकी पहला डेटाबेस कौन सा सीखे, विच डेटाबेस टू लर्न फर्स्ट, राइट। सो मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आप नॉन सीक्वल सीख लो, वो ऑल डिपेंड करता है रिक्वायरमेंट के ऊपर, बट मेरे हिसाब से अगर आप फ्रेशर हो तो आपको पहले एसक्यूएल सीखना चाहिए, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, DDL, DML कमांड्स, इंसर्ट, डिलीट, अपडेट, ड्रॉप, क्रॉप, कैसे उनको हम लिखते हैं, एक अंडरस्टैंड करते हैं, राइट। फिर आपको लैंग्वेज सपोर्ट तो मिलेगा, आप जावा यूज़ कर रहे हो, आपको वहाँ बने बनाए फंक्शंस मिल जाएंगे, फ्रेमवर्क आपको फंक्शन देगा, आपके काम को आसान कर देगा, बट इनिशियल टाइम पे आपको सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल, इंसर्ट इनटू टेबल वैल्यू, अपडेट करना, ऑल्टर करना, इन सब चीज़ों का अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से आपको फर्स्ट सिक्वल पे फोकस करना चाहिए, देन अकॉर्डिंगली अपनी अगर आपकी पर्सनल चॉइस है कि आपको जावास्क्रिप्ट के अराउंड रहना, जो मैं भी फुल स्टैक पे आ रहा हूँ, तो एक अलग बात है। बाद में फिर अगर आपको लगता है कि आपको ज़रूरत है MongoDB की, नो सिक्वल डेटाबेस की, तो आप वो भी सीख सकते हो। इसमें अगर आपके 15-20 दिन लगेंगे अगर आप सिंपल DDL, DML कमांड्स के ऊपर हैंड्स ऑन करने में, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब हम बात करते हैं फुल स्टैक की। देखो मैं सिंपल तुम्हें एडवाइस दूंगा, ऑल्दो जब मैंने स्टार्ट किया तो मेरा बैकएंड में जावा था और फ्रंटएंड में मेरे HTML, CSS, React के ऊपर हम चीज़ें कर रहे थे, बट मैं अभी जो फ्रेशर्स देख रहे हैं जो कॉलेज में, उनको मेरी एडवाइस ये रहेगी कि अगर आप फुल स्टैक जाना चाहते हो तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा मीन या मर्न। आप जावास्क्रिप्ट के अराउंड रहोगे, मीन, MongoDB, एक्सप्रेस, नोड, बैकएंड आप तैयार कर रहे होगे नोड और एक्सप्रेस का यूज़ करके, और डेटाबेस लेयर पे आपका MongoDB रहेगा और फ्रंट एंड पे आपका रिएक्ट या एंगुलर रहेगा। इससे आप एक फुल स्टैक डेवलपर ही बन जाओगे, कितना काम आसान हो जाएगा। तो बट करना आपको सब चीज़ें एक साथ नहीं करनी है, क्योंकि वेब डेवलपमेंट के अंदर यही चीज़ है कि बहुत सारी चीज़ें हैं, तो सब कुछ करना नॉट पॉसिबल। अगर आप इतना कर लेते हो, इस पे प्रोजेक्ट बना लेते हो, काफ़ी है, प्रोजेक्ट पे बात अभी करता हूँ। तो अगर आप फुल स्टैक में जाते हो और ख़ास तौर पे इसमें अगर टाइम की बात करें, 7-9 महीने आपको लगेंगे प्रॉपर ढंग से दो प्रोजेक्ट बनाने में और एंड टू एंड अंडरस्टैंडिंग। MongoDB है और फिर आपका नोड है, एक्सप्रेस है, फ्रंट एंड भी आप रिएक्ट एंगुलर यूज़ कर रहे होगे। फुल स्टैक की काफ़ी डिमांड है गाइस, और एडवांटेज रहता है जब आप फुल स्टैक डेवलपर काम करते हो, कल को अगर आपको किसी और कंपनी से अच्छा ऑफर है, को फ्रंट एंड में अच्छा ऑफर मिल रहा है, उनको फ्रंट एंड चाहिए, उनको फुल स्टैक नहीं चाहिए, तो आप अगर आपको लगता है आपको 5 साल हो गए अब आपको फुल स्टैक से आपको फ्रंट एंड में अच्छा पैसा मिल रहा है, अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो आप फ्रंट एंड में भी जा सकते हो। तो ये एक एडवांटेज रहता है फुल स्टैक का। तो अगर आपका इंटरेस्ट है फुल स्टैक डेवलपमेंट के अंदर, अगर आपका इंटरेस्ट है बैक एंड डेवलपमेंट के अंदर, तो जी cryos.do एक प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे इनके दो कोर्सेज बहुत ही कमाल के हैं। प्रॉपर प्रोजेक्ट बेस्ड ट्रेनिंग आपको यहाँ दी जाती है। तो जो इनका फुल स्टैक का कोर्स है वो 6 महीने का है और यहाँ पे 7 प्रोजेक्ट्स आपको करवाए जाएंगे। तो इनके यहाँ पे 2 कोर्सेज हैं, फुल स्टैक का जो 6 महीने का है और बैकएंड वाला भी 6 महीने का है। 1 हफ्ते का फ्री ट्रायल है, आप जाके ले सकते हो, स्कॉलरशिप भी आप ले सकते हो। बाकी इनका जो प्लेसमेंट रेट है वो 93% है और जो एवरेज क्योंकि गारंटीड है, मतलब अगर आप अच्छे से कोर्स कर लेते हो तो आपकी जॉब गारंटीड है। जो मिनिमम पैकेज है वो 6 लाख का है, मैक्सिमम 40 लाख तक भी लोगों ने यहाँ पे ऑफर अचीव किया है। बाकी 240+ इनके हायरिंग पार्टनर्स हैं और जिसमें स्टार्टअप्स भी हैं और बड़ी MNCs भी हैं। बाकी अगर एवरेज सैलरी हाइक की बात करें वो है इनका 89%। तो मैंने लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन के अंदर, यू कैन गो एंड चेक, राइट। तो अब देखो यहाँ पे ना कन्फ्यूज तुम्हें बिल्कुल नहीं होना है, मैं तुम्हें फ्रंट एंड का बताया, तुम्हें UI UX बताया, बैक एंड भी बताया, राइट। बट अब तुम कहते हो नहीं भैया मेरा फोकस खाली फुल स्टैक पे ही है, तो जो मैंने तुम्हें ऊपर बताया है उसको माइंड में रखो, बट फिर तुम्हारा ध्यान मीन में होना चाहिए कि मुझे मीन में ही अपना टाइम देना है, मर्न में ही अपना टाइम देना है। तो यहाँ जो तुम्हें लगेगा 7-9 महीने लगेंगे बिल्कुल, अगर तुम स्टार्ट कर रहे हो, तुम ऑलरेडी एक्सपीरियंस हो, तुम पहले से ही फ्रंट एंड जानते हो, रिएक्ट जानते हो, तुम्हें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। फिर 4-5 महीने में तुम अपने आप को अप एंड रनिंग कर सकते हो और अच्छे प्रोजेक्ट्स बना के, डमी प्रोजेक्ट्स बना के, POC बना के आगे बढ़ सकते हो और इंटरव्यूज दे सकते हो। आज का टाइम वो गया कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है किसी वजह से, बट अगर आपको अंडरस्टैंडिंग है, आपने सेल्फ मेड प्रोजेक्ट बनाए हैं, तो उन स्किल के बेस पे आप इंटरव्यू देने जाओगे तो कोई आपको मना नहीं करेगा। हाँ, वो अपने तरीके से इंटरव्यू लेगा, जो भी उनके चेक्स रहेंगे, जो पैरामीटर्स रहेंगे, अगर आप वो सही से आंसर करते हो आप सेलेक्ट हो जाओगे। अब देखो बात आती है रिसोर्सेज की। तो मैंने HTML, CSS, React, Angular, Figma, Framer, जितनी बातें मैंने करी हैं, स्प्रिंग बूट, इन सब के आपको फ्री रिसोर्सेज भी दे रखे हैं डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप वो रेफ़र कर सकते हो। बट मेरे पे विश्वास कीजिए, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। अगर आप बैकएंड में मैंने आपको बताया रास्ता बताया, फ्रंट एंड में आपको रास्ता बताया, UI UX में आपको रास्ता बताया, फुल स्टैक में आपको रास्ता बताया, अगर आप इस रास्ते में चलते हैं गाइस, तो आप कभी आउटडेटेड नहीं होंगे और सैलरी के लिए आप ये नहीं कहेंगे मेरी कम है। बात तो सही है। देखो अगर आप एक कंपनी में बैठे हुए हो काफ़ी सालों से, तो हम वहाँ कुछ नहीं कर सकते, वो टाइमली स्विच आपको करना पड़ेगा, जो हर इंसान कर रहा होता है।
मेरे साथ जब मैं बूट कैंप में था, मेरे जितने फ्रेंड थे सब ने एक पैकेज में स्टार्ट किया, बट आज हर कोई अलग अलग जगहों पर अलग अलग पैकेजेस में। तो यहाँ डेस्टिनी चेंज हो जाती है, क्योंकि बाद में फिर आप अपने हिसाब से, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से जॉब चेंज कर रहे होते हो। बट चाहे कोई प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी हो, सर्विस बेस्ड हो, सभी जगह इन सब की डिमांड है, आपको ये सब चीज़ें दिखेंगी वहाँ पर। ठीक है, तो रिसोर्सेज मैंने सारे दे रखे हैं, यू कैन गो एंड चेक आउट इन द डिस्क्रिप्शन। इवन मेरी खुद की वीडियोस फ्रंट एंड पे आप मेरे DSA की वीडियोस फॉलो कर सकते हो, मैंने बहुत अच्छी बनाई है। स्पेशली फ्रंट एंड में उससे आगे कोई जाएगा ही नहीं, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। ES6 के ऊपर मैंने वीडियोस बनाई है, जो मेरे से Paytm में पूछा गया, एडिडास में पूछा गया, वो सारे मैंने क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाए हैं। मेरी रिएक्ट की सीरीज जो बेसिक टू एडवांस है, वो भी आप रेफर कर सकते हो। ठीक है, मैंने सब कुछ लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप देख लीजिएगा। अब बात करते हैं प्रोजेक्ट की, कि भैया ठीक है, आपने फ्रंट एंड के बारे में बताया, बैक एंड के बारे में बताया, फुल स्टैक के बारे में बताया, बट प्रोजेक्ट क्या करें। देखो, मैंने प्रोजेक्ट के ऊपर, मैं अब दोबारा बातें करूँगा कोई सेंस नहीं है, मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है प्रोजेक्ट के ऊपर, बिलीव मी गाइस वो काफ़ी है। उसमें मैंने आपके साथ 7 प्रोजेक्ट शेयर करे हैं, बेसिक से लेकर एडवांस। उन्हें अगर आप कर लेते हो अपने पोर्टफोलियो में, अगर लगा लोगे आप, और जो आपसे क्वेश्चन आएगा इंटरव्यूअर का, वो पहले इंप्रेस हो जाएगा, और फिर आप अगर आपने खुद बनाया होगा वो प्रोजेक्ट, तो आप आंसर कर पाओगे। तो मैंने बहुत अच्छी एक वीडियो बना रखी है, आप स्क्रीन पे देख भी रहे हो, एनिमेशन इफेक्ट्स देख रहे हो, ये बहुत अच्छी वीडियो है, इसे आप जरूर देखना एंड आपको बहुत आइडिया मिलेगा। वो मेरे चैनल की बेस्ट वीडियो, मैंने बहुत मेहनत करके बनाई थी वो वीडियो, आप देख लीजिएगा। तो मेरे हिसाब से गाइस, फास्टेस्ट वे डिसाइड करते हैं हम खुद। ठीक है, अगर मैं प्रॉपर टाइम दे रहा हूँ, जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई, अगर आप वो अच्छे से कर लेते हो तो आपके लिए वो फास्टेस्ट वे, अगर आप नहीं करते हो तो फास्टेस्ट वे नहीं है। तो ये सारी मैंडेटरी चीज़ें हैं, अगर आपने कर ली फिर आप, मर्जी आपकी, चॉइस आपकी है कि आपको अब UI/UX में जाना है, फ्रंट एंड में जाना है, बैक एंड में जाना है, या एज अ फुल स्टैक जाना है। बट अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हो तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप फुल स्टैक में जाओ एंड वहाँ फिर ये चीज़ आप सीख रहे होगे, राइट। HTML CSS तो देखो जी जेनरिक है, वो आपको सीखना ही पड़ेगा, एंड उसके बाद फिर आप देख सकते हो कि अब एक ऐसा नहीं कि जो बैक एंड डेवलपर होता है उसको नहीं पता होता HTML CSS, बेसिक पता होता है, ठीक है, ज़रूरी है वो पता होना, और नहीं पता तो मान लीजिए रोल पे डिपेंड करता है कि अब वो खाली APIs ही बना रहा है और कुछ नहीं कर रहा, तो एक अलग बात है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू मी जी, ये है फास्टेस्ट वे टू लर्न वेब डेवलपमेंट, मेरा खुद का जो एक्सपीरियंस रहा है वेब डेवलपमेंट में रहा है स्टार्टिंग से। और मुझे अभी भी याद आता है, जब मैं कॉलेज में था तो हम PHP में कितने सारे मैं काम करता था, फिर लेंसिंग पे प्रोजेक्ट उठाते थे। बट ये कि जैसे कंपनी में गया तो PHP यूज़ नहीं होती, तो हम फिर वही बात करते हैं जो हम कर रहे हैं, और इन्हीं की डिमांड है, इन्हीं का ही स्कोप है। क्या आने वाले 10 साल में ये खत्म हो जाएंगी? ये सवाल मत लिखना कमेंट के अंदर, कोई चीज़ खत्म नहीं होती है, चीज़ें नई आती हैं, वो हमें सीखना ही होगा। फिर चाहे आज मैं 29 साल का हूँ, 32 साल का हूँगा, 35 का हूँगा, अगर डेवलपर ही हूँ तो चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, प्रोजेक्ट की नीड के हिसाब से काम करना पड़ेगा। कल को अगर रोल चेंज हो गए तो अलग बात है जी, पर वहाँ पे अगर कुछ, फिर उस रोल की अपनी कुछ डिमांड होंगी, वो मुझे सीखनी पड़ेंगी। तो यही IT है, यही लाइफ है भाइयों। ठीक है, सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस। आई बिलीव बाय यू नो वीडियो इज़ ऑलरेडी एंड, तो बहुत सारी चीज़ें आपको क्लैरिटी हुई होगी, एंड इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना, और हमारा जो कोडिंग चैनल है उसे आप सब्सक्राइब कर सकते हो। वहाँ पे मैं रिडेक्स की सीरीज जल्दी शुरू करने वाला हूँ, और लिंक उसका गिवन है डिस्क्रिप्शन के अंदर, और वहाँ सारी हम बहुत सारी वहाँ पे वीडियोज़ कवर करेंगे अभी जो चल रहा है मार्केट के अंदर। तो अभी रिडेक्स का मेरा टारगेट है, जल्दी आपको वहाँ पे मिलेंगी। तो मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्दी किसी और वीडियो में। आप बाकी इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हो, लिंक्डइन पे आके मेरे से बात कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस, बाय।